नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से परमात्मा का एक सेवक। आत्मसाधना के माध्यम से आपके जीवन में प्रकृति के सत्य उजागर करना और आपका जीवन बिना दवाइयां स्वस्थ और मस्त बनाना, यही हमारा मकसद है। दोस्तों, आज का एक महत्वपूर्ण विषय है, यह सर्व प्राणी मात्र में मानव ही दुखी और बीमार क्यों है, इसका सत्य हम आपको आज समझाने वाले हैं। पिछले ऑडियो में हमने जाना मानव का ईंधन मतलब भोजन क्या है। हमने समझा यह सारे योनि में मानव ही ऐसा प्राणी है जो अप्रकृतिक भोजन ले रहा है, प्रकृति ने जैसा दिया वैसा स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको आग पर पकाकर जो जीवित अन्न है उसे मृत बनाकर खा रहा है, इसकी वजह से मानव बीमार है। तो आज समझते हैं, यह जो हम पक्व भोजन मतलब आग के ऊपर पकाया हुआ भोजन ले रहे हैं, उसके वजह से शरीर के ऊपर क्या परिणाम हो रहे हैं, जिससे बीमारियों का निर्माण कैसा हो रहा है, यह सत्य को आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, एक समझ लीजिए, आपके हाथ में सिर्फ भोजन अंदर डालना है, क्या आप मुंह में लार बना रहे हो? आपके अंदर जैसे ही पेट में खाना जाता है, क्या आप खाना पचाने हेतु एसिड और डाइजेस्टिव जूस आप डाल रहे हैं? यह जो खाना अंदर गया है उसका रस आप बना रहे हो? आपको जो पक्व आहार 5 घंटा अमाशय में रहता है और उसका रस बनकर अन्न पचे या न पचे छोटी आंत में ढकेला जाता है और इसमें से शरीर को अवश्य ग्लूकोज और विटामिन शरीर ले लेता है, क्या यह कार्य आप कर रहे हैं? इसके बाद जो बचा वेस्टेज मतलब बड़ी आंत में ढकेला जाता है और यह गंदगी गुदाद्वार से बाहर आती है, क्या यह कार्य में आप सहयोग कर रहे हैं? तुम्हारे शरीर में रस से रक्त बन रहा है, रक्त से मांस और मांस से अस्थि बन रही है, अंत में आपका बीज पुरुष के लिए वीर्य और स्त्री के लिए अंडाशय बन रहा है, क्या यह कार्य में आपका कुछ सहयोग है? तो दोस्तों, यह सब कार्य कौन कर रहा है, यह सवाल कभी स्वयं को पूछा है? अर्थात नहीं। दोस्तों, यह सब कार्य हो रहा है और यह कार्य कर रही है अपनी माता जीवनी शक्ति, जिसे इंग्लिश में वाइटल पावर कहते हैं, और यह जीवनी शक्ति का आधार है जिसके हर कण में है सर्वव्यापी परमात्मा, जिसके आधार से ही हमारे शरीर में जीवनी शक्ति कार्य करती है, जिसकी जिम्मेदारी है हर हाल में आपके शरीर को जीवित रहना। यह जीवनी शक्ति रूपी माता 24/7 लगातार काम कर रही है। आगे हम जीवनी शक्ति के बारे में विस्तार से समझेंगे। हम मानव कर क्या रहा है? हमारा मूल ईंधन है फल, सब्जियां और पानी, यह प्राकृतिक अन्न है, इसमें जीवनी शक्ति लबालब भरी हुई है। हम उसको आग पर चढ़ाकर प्रथम जीवनी शक्ति नष्ट कर देते हैं। बिना जीवनी शक्ति का यह खाना मृत खाना कहलाता है और यह बिना जीवनी शक्ति वाला मृत भोजन हम पेट में डाल रहे हैं। सिर्फ हम यह भोजन को आग के ऊपर नहीं पका रहे, उसके ऊपर तेल में 200 डिग्री का तड़का दे रहे हैं, मसाले मिर्च मसाला मिला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार कर रहे हैं। जैसे जैसे संस्कार बढ़ते हैं, यह सब खाने का कार्बन में रूपांतर होता है, 90% कार्बन बन जाता है और सिर्फ 10% आपके शरीर को मिलता है और सिर्फ यह 10% की वजह से आप जीवित हो। 90% कार्बन मतलब यह मली है, कचरा है, यह कचरा हमारे शरीर में जा रहा है।
सीधा और सरल सिद्धांत है, आपका पेट एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है और कुदरत का नियम है, जहां गंदगी वहां कीड़े और जहां कीड़े वहां बीमारी, यह मैं समझाने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्था का मानना है सभी रोगों का एक ही कारण है, वह है आंतरिक मल संचय। हम हर रोज बाह्य स्नान करके बाह्य शरीर को स्वच्छ रखने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, मगर सोचिए आपने आंतरिक शुद्धि के लिए क्या किया है? जवाब है कुछ नहीं। एक हमारी छोटी टू व्हीलर जिसकी कीमत 50-60 हज़ार रुपया है, इसकी हम हर 3 महीने में सर्विसिंग कर रहे हैं, मगर दोस्तों खुद का क्या? जो सर्वव्यापी परमात्मा ने करोड़ों की शरीर रूपी मर्सिडीज आपको दी है, इसकी सर्विसिंग आपने कब की है और कब करोगे? जब तक आपकी आंतरिक शुद्धि नहीं होगी, यह दुख और बीमारियां हटने वाली नहीं हैं, और इसके कारण जो दूसरे योनि में नहीं है, आ गया डॉक्टर और साथ में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, आज अब जो करोड़ों का खेल चल रहा है, यह सिर्फ अप्राकृतिक भोजन और इससे बनने वाला मल संचय यही कारण है सभी बीमारियों का। मानव ने स्वयं को कभी जाना नहीं है। समझो, यह शरीर का निर्माता सर्वव्यापी परमात्मा है, जिसने 84 लाख योनियां बनाई हैं। इसमें से मानव ऐसा प्राणी है, सभी योनियों का आप अभ्यास करेंगे तो सिर्फ मानव ही अप्राकृतिक भोजन ले रहा है, सभी प्राणियों का अन्न छीन कर खा रहा है। अपने जीभ के लालच के लिए प्राणियों की हत्या करके प्रोटीन का नाम देकर मांस खा रहा है। मुर्गी का गर्भ जिससे जीव निर्माण होने वाला है, उसको जलम के पहले ही अंडे के रूप में खा रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वह सत्य है, कड़वा जरूर लगेगा, मगर इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। विशालकाय देह वाला हाथी, घोड़ा, गोरिला बंदर क्या खा रहे हैं जिससे वह इतने ताकतवर है? क्या वह भी मांस खाते हैं? परमाता का दूध पीते हैं? क्या उनको प्रोटीन और विटामिन की कमी पड़ रही है? इसके ऊपर मनन करें और सत्य को स्वीकार करें। और आज हम सब मानव जाति क्या कर रही है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या एक मजदूर हो, सबके सब मन और इंद्रियों के गुलाम हैं और मानने को भी तैयार नहीं है हम गुलाम हैं। हमारी मानव जाति की हालत क्या है, यह एक छोटी सी कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। शायद आपको पता है बंदर को यह मदारी लोग कैसे पकड़ते हैं और बाद में उनका आधार लेकर बंदरों का खेल करके पैसा कमाते हैं। मदारी को पता होता है बंदर को सबसे ज़्यादा खाने में क्या प्रिय लगता है, वह है चने, शेंगदाने और स्विष्ट पदार्थ। एक बर्तन में वह भरते हैं। वो बर्तन की रचना ऐसी होती है, बंदर का हाथ इसमें जा सकता है, मगर उसने हाथ डालकर मुट्ठी में भर लिया तो बर्तन से उसका हाथ निकल नहीं सकता। वह बर्तन को मदारी लोग बर्तन को बांध कर रखते हैं। बंदर खाने के लिए अंदर हाथ डालता है, मुट्ठी भर लेता है और हाथ खींचता है। उसका हाथ बर्तन में अटक जाता है और फिर मदारी आते हैं, उसको पीटते हैं, तो भी वह मुट्ठी छोड़कर भागता नहीं है। उसका लालच ही बंदर को बांध देता है और फिर उसको रस्सी से बांधा जाता है और गुलाम बनाया जाता है। वैसे ही हम सब है, मन और इंद्रियों के मायाजाल में फंसकर छोड़ना कुछ नहीं चाहते हैं और जीवन भर मन और इंद्रियों की गुलामी करते हैं। फिर यह मन और इंद्रिय बंदर की तरह हमें नचाते रहते हैं और हमें महसूस ही नहीं होने देते कि हम गुलामी में हैं। दोस्तों, एक सत्य आप समझ गए कि सभी रोगों का कारण आंतरिक मल संचय है। दिन पे दिन आंतरिक मल संचय बढ़ रहा है और
मेडिकल साइंस ने उसे अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, ऐसे लाखों नाम की बीमारियां हैं। फिर सभी बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर बन गए हैं। दोस्तों, मैं स्वयं डॉक्टर को भगवान मानता हूँ। यदि डॉक्टर ना होते तो हम जिंदा नहीं रह सकते थे, क्योंकि गलत खानपान से आंतरिक मल संचय बढ़ रहा है। मल संचय की वजह से अलग अलग बीमारियां आ रही है। दोस्तों, हमारी संस्था का मानना है, कारण पर काम करो, बीमारियां अपने आप हटेगी। सिर्फ परमात्मा ने मानव के लिए जो ईंधन मतलब भोजन बनाया है, फल, सब्जी और पानी, यह खाना शुरू करो, और जो पुराना मल संचय है वह हमारी आंतरिक शुद्धि के उपाय से दूर करो। आसान है ना, मगर सत्य समझने को हम तैयार नहीं। अपने जीवन में क्रांति मतलब सकारात्मक परिवर्तन लाने को तैयार नहीं। यह बंदर जैसा कुछ भी, हम बंदर जैसा कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते और दुख और बीमारियों से ग्रस्त है। जो आज नहीं है आगे होने वाला ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। दोस्तों, हम शरीर से कैसा खेल कर रहे हैं ये प्रथम समझते हैं, इसलिए प्रथम हमें डॉक्टर की व्याख्या करनी पड़ेगी। आप सब समझ गए कि सभी रोगों का कारण आंतरिक मल संचय, जहाँ मल संचय वहाँ कीड़े आएंगे ही, प्रकृति का नियम है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, वह अलग अलग प्रकार के कीड़े मारने का उनका अभ्यास होता है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने कीड़े मारने की दवाइयाँ बनाते हैं, जिसे आप मेडिसिन कहते हैं। डॉक्टर निदान करता है और कौन से टाइप के कीड़े हमारे शरीर के अंदर गंदगी में आए हुए हैं, और वह कीड़े मारने की दवा हमें दी जाती है, और कीड़े भी मर जाते हैं और हमें लगता है हम ठीक हो गए। ध्यान रखें, कीड़े मर गए मगर गंदगी वहाँ ही है। कुछ दिन के बाद उससे ज़्यादा शक्तिशाली कीड़े बनते हैं और वापस हम बीमार पड़ते हैं। फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर पहले से ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा पावर वाली दवा देता है, वापस कीड़े मर जाते हैं। वही कीड़े बार बार बनते हैं तो डॉक्टर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे अनेक बीमारियां हैं जिसके लिए परमानेंट गोली चालू कर देते हैं और कहते हैं जीना है तो जीवन भर गोली लेनी पड़ेगी। जिंदा रहना है तो हर रोज गोली लेनी ही पड़ेगी। डॉक्टर मतलब भगवान ने बोला है तो गोली छोड़ नहीं सकते, नहीं तो मौत का डर है। बस यही दुष्ट चक्र में हम फंस गए हैं, और डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनी का करोड़ों का टर्नओवर चल रहा है। और मजे की बात यह है कि डॉक्टर भी स्वयं बीमारियों से ग्रस्त है। ऐसे बहुत डॉक्टर मैंने देखे हैं जो जिसके स्पेशलिस्ट है वही बीमारी उनको है, और उसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। दुनिया का हार्ट ऑपरेशन का सबसे बड़े डॉक्टर नीतू मांडके के नाम पर है। दुनिया के बड़े बड़े वीआईपी का सक्सेसफुल ऑपरेशन उन्होंने किया है। स्वयं बाला साहेब ठाकरे का भी ऑपरेशन उन्होंने ही किया है, जिन्होंने 10,000 के ऊपर सक्सेसफुल हार्ट ऑपरेशन किए हैं। ऐसे महान विद्वान डॉक्टर की मौत सिर्फ उम्र के 55 साल में हार्ट अटैक से ही हो गई है। मेरे दोस्तों, सत्य को समझो। जो विद्वान डॉक्टर मर रहा है वह आपको क्या बचाएंगे? हाँ, डॉक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपके जो रोग है उनको नियंत्रण में रख रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आज एक परमात्मिक सत्य आपको बता रहा हूँ, आप स्वयं आपके डॉक्टर हो। सूर्यशिला की योनि में जो प्राणी हैं, जो परमात्मा ने तय करके दिया, वही खा रहे हैं। जितनी भी उनकी उम्र है, आखिरी सांस तक आत्मनिर्भर होकर मर जाते हैं। उनके कोई डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। सर्वव्यापी परमात्मा ने आपके अंदर ही डॉक्टर बिठाया है, जिसका नाम है जीवनी शक्ति। वही हमारा
एकमेव डॉक्टर है। सिर्फ आपको करना क्या है, सर्वव्यापी परमात्मा ने जो तय करके दिया है वही खाना है। आपके हाथ में सिर्फ एक ही काम है, वह है सही ईंधन मतलब भोजन पेट में डालना। आपको दूसरा कुछ करना नहीं है। दोस्तों, मैं स्वयं बहुत बीमारियों से ग्रस्त था, सिर्फ आंतरिक शुद्धि करवाई और ईश्वरीय भोजन प्रणाली का मार्ग मैंने अपनाया। आज मैं अभिमान से कह सकता हूँ, मैं बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन जी रहा हूँ। सारी गोलियाँ बंद हो गई है। यह ईश्वरीय सत्य जो भी स्वीकार करेगा वह सारे बीमारियों से मुक्त होगा, और जो बीमार नहीं वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा। यह क्रांति समर्पण ट्रस्ट का वादा है। इसलिए दोस्तों, डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम का अर्थ है ईश्वरीय खानपान पद्धति। यह हमारा नहीं है, यह सर्वव्यापी परमात्मा का सत्य है। डॉक्टर जैसे हम फीस नहीं लेते, कोई भी दवाइयाँ नहीं देते, तो हमारा साइड इफेक्ट हो नहीं सकता। करके तो देखो, सिर्फ 21 दिन यह मार्ग के हिसाब से जियो और अपने आप चमत्कार देखो। यह कोई ज्ञान नहीं है, यह एक सर्वव्यापी परमात्मा का सत्य है। सत्य का अनुभव करें। मेरी आपको सबको हाथ जोड़कर विनंती है, डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम का अवलंबन करें, और जब तक आपकी आयु ईश्वर ने दी है, आत्मनिर्भर होकर जिए। धन्यवाद। आज यहाँ तक ही। इसी तरह हमारे आत्मसाधना के ऑडियो वीडियो देखें और हमारे प्रैक्टिकल सेशन भी अटेंड करें। निश्चित आप बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की कला सीखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।